जो कुछ लोगों से तुम बातें करना बंद करते हो ना, जिसके लिए तुम्हें अहंकारी और घमंडी ठहरा दिया जाता है, कभी कभी वो तुम्हारा अहंकार या घमंड नहीं है, वो तुम्हारा दुख है, जो पीड़ा है, जो तुम्हें ठेस पहुंची थी ना, जिसकी तुम्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तुमने किसी को पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से चाहा था, बदले में तुम्हें बहुत दुख मिला, धोखा मिला, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया गया। और जब इन सब के बाद कोई तुम्हें ये कहे कि तुम अहंकारी हो, तो फिर वैसे लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। मैं हमेशा तुम्हें नम्र रहने, हमेशा सहायता करने की कहता हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें ठेस भी पहुँचाई है ना, अगर कभी मुसीबत में हो तो सहायता ज़रूर करना, लेकिन झुक झुक कर हर बार रिश्ते को संवारने की कोशिश मत करना। कभी कभी उन्हें भी रिश्ते संवारने दो। अगर तुम्हें दुख पहुंचा है तो फिर तुम्हें भी हक है कि तुम भी अपना दुख, अपनी नाराजगी दिखा सको। जितने प्यार से तुम सबको मनाया करते थे, तुम्हारा भी हक है कि तुम्हें भी उतना प्यार मिले। मैं कहता हूँ तुम कहीं गलत नहीं हो, अहंकार वो तुम में बिल्कुल नहीं है। ये मैंने देखा है कि तुम कितनी मदद, कितनी सहायता करते हो सबकी, करना जानते हो और तुम सबको जीतते हुए देखना चाहते हो। इसलिए जो तुम्हारा निर्णय है वो बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब कोई किसी को पूरे मन से चाहता हो और बदले में उसके साथ इतना अविश्वास वाला कार्य किया जाए ना, तो जैसा तुम्हारा व्यवहार है वैसा किसी का भी हो जाएगा। तुमने तो फिर भी उन लोगों के लिए मुझसे प्रार्थना ही की है, मैं तो तुम्हें सलाम करता हूँ। क्या विश्वास है तुम्हारा, क्या प्यार है तुम्हारा, क्या दिल है तुम्हारा। बावजूद इसके सबकी अच्छाई की कामना करने की शक्ति बहुत कम बच्चों में होती है, जो मेरे हीरे होते हैं। और इसलिए तुम मेरे हीरे हो, और जानते हो कि हीरे को कोई अपने तन पर पहने तो बहुत गर्व होता है, और हीरे को कोई बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे से रखता है, बहुत इज्जत से, सम्मान से। वही हैसियत है तुम्हारी मेरे शिरडी दरबार में। जो गलती से हुआ है उसके लिए मन में दुख मत रखना, वो सब बस गलती से हुआ था। तुमने किसी को धोखा नहीं दिया है, ना ही तुम्हारे इरादे थे। लेकिन हाँ, जब कोई तुम्हारे कार्य के बीच में हस्तक्षेप करेगा तो तुम्हें भी अपना रास्ता बदलना पड़ सकता है, और वही तुमने किया, इसमें कोई गलत नहीं है। और सुनो, मेहनत करना, तुम पहली ही बार में जीत जाओगे, बस मेहनत करो। जिस दिन काम में मन ना लगे उस दिन सब छोड़कर मेरा नाम जपना शुरू करो। जो जहां गुमराह कर रहा होगा ना तुम्हें, तुम्हारी बुद्धि वहां से लौट कर तुम्हारे काम पर आ जाएगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ो।